आज हम चर्चा करेंगे कि टीडीएस का रेट फाइनेंशियल ईयर 19-20 यानी कि असेसमेंट ईयर 2020-2021 में क्या है। हम सब जानते हैं कि अप्रैल का अब समय खत्म होने वाला है, 3-4 दिन में अप्रैल, और जब अप्रैल खत्म हो जाएगा अप्रैल का महीना, तो अप्रैल का जो टीडीएस है उसका चालान आपको मई में 7 तारीख तक पे करना होता है। तो हम जानते हैं कि क्या है रेट इसका 1920 फाइनेंशियल ईयर में, क्या रेट अप्लाइड होगा टीडीएस पे। आप देख रहे हैं मुझे जीएसटी राम प्रकाश गौतम के यूट्यूब चैनल पे और मैं हूं राम प्रकाश गौतम, स्वागत है आपका। हम चलते हैं टॉपिक पे। टॉपिक में आपको मैं दिखाऊं ये सेक्शन 192 जो कि सैलरी के लिए है, और सैलरी के लिए मैंने एक एनेक्चर आगे बना रखा है, उसमें मैं आपको बता दूंगा कि क्या स्लैब रेट है। अब हम चलते हैं सेक्शन 192A कहता है अगर आपका ईपीएफ प्री मेच्योर विड्रॉल होता है, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड अगर आप 5 साल से पहले विड्रॉ कर लेते हैं और इसकी लिमिट 50,000 है, तो अगर कोई इंडिविजुअल है या एचयूएफ है तो उसका जो परसेंटेज होगा वो टीडीएस का रेट 10% है, अगर आपके पास पेन नंबर नहीं है तो इस पे 20% आपका टीडीएस कट जाएगा, ये ध्यान रखना है। 193 सेक्शन 193 करता है इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी डिबेंचर कंपनी के द्वारा, इसका भी लिमिट 10,000 रुपीज है और उस पर इंडिविजुअल एचयूएफ के लिए 10% और अदर देन इंडिविजुअल जो है उनके लिए भी 10%, अगर आपके पास पेन नंबर नहीं है तो आपको 20% का टीडीएस कट जाएगा। सेक्शन 194 पेमेंट ऑफ डिविडेंट अदर देन डिविडेंट, आपका जो सेक्शन 1150 का जो कंपनी का है यानी डिविडेंट ऑन जिस पे डिविडेंट डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स पेड नहीं होता है, तो उसमें है लिमिट, उसका थ्रेशोल्ड लिमिट दे रखा है 2500 यानी 2500 रुपीज और इस पे 10% दोनों कंडीशन में लगेगा, इंडिविजुअल को, एचयूएफ को एंड अदर देन को भी। यहाँ पे भी आपको अगर पेन नंबर नहीं है आपके पास तो 20% टीडीएस कटेगा। सेक्शन 194A को हमने 2 पार्ट्स में बांटा है। पहला पार्ट क्या है कि इंटरेस्ट अगर आपको बैंक से, कोऑपरेटिव सोसाइटी से या पोस्ट ऑफिस से आता है तो आपको, और उसकी लिमिट जनरल लोग जो सीनियर सिटीजन नहीं है उनको 40,000 और जो सीनियर सिटीजन है उनके लिए अगर 50,000 रुपीज का थ्रेशोल्ड लिमिट है, यहाँ तक आता है तो इससे ऊपर आता है तो थ्रेशोल्ड लिमिट का है कि यहाँ तक एग्जेम्प्ट है, इससे ऊपर होने पे या इससे या इससे ऊपर होने पे आपको 10% इंडिविजुअल और एचयूएफ को, अदर देन इंडिविजुअल भी 10% है लेकिन अगर पेन नहीं है तो आपको 20% लग जाएगा। फिर इंटरेस्ट अदर देन, इन सब को ऊपर वाले इस लाइन को छोड़ के और जितने भी तरह से इंटरेस्ट आपको इनकम होता है उसका 5,000 थ्रेशोल्ड लिमिट है और इसमें भी अप्लीकेबिलिटी 10% टीडीएस का है और पेन नहीं होने पे 20% रहेगा। साथ ही हम सेक्शन 194B में अगर हम देखते हैं तो पेमेंट ऑफ प्राइज फ्रॉम, अगर आपने लॉटरी से कोई प्राइज लिया है, प्राइज मिला है या हॉर्स रेस से आपने कोई पैसा जीता है तो वहां का लिमिट 10,000 और इस पे ब्लाइंडली 30% आपको टीडीएस कटेगा, पेन है तो भी और नहीं है तो भी, यानी हायर रेट पेन, अगर पेन आपके पास नहीं होता है तो टीडीएस का रेट या हायर रेट, इस दोनों में जो हाई होगा तो हायर रेट आपको 20-30 ही चल रहा है तो इस केस में 30% हायर रेट है। अब हम आते हैं सेक्शन 194C के ऊपर। सेक्शन 194C में हमने 3 पार्ट में बांटा है। पहला पार्ट कॉन्ट्रैक्टर है, अगर कॉन्ट्रैक्टर को सिंगल ट्रांजैक्शन एक बिल 30,000 रुपये का है तो इंडिविजुअल के केस में 1% ले लीजिए, अदर देन इंडिविजुअल या एचयूएफ यानी कोई कंपनी या कोई फर्म है तो उसको 2% लीजिए। साथ ही अगर कोई कॉन्ट्रैक्टर है उसका फाइनेंशियल ईयर में, मान लीजिए कि एक बिल 30,000 का नहीं हुआ, जनवरी में 5,000 का दिया, फरवरी में 8,000 का दिया, इस तरह से 5, 7, 8, 10, 12,000 का करके यानी एक बिल 30,000 का नहीं हुआ तो वहां पे टीडीएस नहीं कटेगा। इस केस में देखना है कि अगर एक बिल 30,000 का नहीं है, इस पॉइंट पे मैं थोड़ा सा टाइम आपको दे रहा हूं क्योंकि ये पॉइंट सेक्शन 194C बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि ऑफिस में ये ज्यादा यूज में आते हैं, डेली लाइफ में ज्यादा यूज में होता है, इसको समझ लीजिए इजली और ध्यान से कि अगर 194C में अगर एक बिल 30,000 का है तो टीडीएस उसी समय कट जाएगा। अगर 30,000 रुपये से कम का बिल है आपके पास, 5,000 का, 8,000, 10,000 का, तब वहां पे ये अप्लीकेबल हो जाएगा रूल कि देखा जाएगा उसका पूरे फाइनेंशियल ईयर में एक साल में क्या 1,00,000 रुपये का हो रहा है, 1,00,000 या 1,00,000 से ज्यादा हो रहा है
तो टीडीएस कटेगा, अदरवाइज नहीं कटेगा। अदरवाइज तब कटेगा अगर एक बिल 30,000 का आ गया, उस केस में आपको कट जाएगा। तो यहाँ पे सेम रेट है इंडिविजुअल और एचयूएफ के लिए 1% और अदर देन इंडिविजुअल एंड एचयूएफ के लिए 2%, यानी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, फर्म है, इन सब के लिए 2% है। इस केस में यहाँ फिर यही एक ये है कि अगर आपके पास पैन नंबर नहीं है तो आपका 20% टीडीएस डिडक्ट होगा। तो बेटर होगा कि आप अपना पैन नंबर जरूर रखिए। अब सेक्शन 194 सी में एक कंडीशन और है उन ट्रांसपोर्टर के लिए जो आपको सेक्शन 44 ए में कवर नहीं होते हैं, यानी जिनके पास जो गाड़ी माल ढोने वाली गाड़ी है, गुड्स का जो कैरेज गुड व्हीकल है, वह 10 से अधिक है, तो उनके पास अगर पेन नहीं है तो 20% लग जाएगा। सॉरी, यहाँ पे आपको एक मिस्टेक हमने कर गया, इसको मैं फिर से आपको रिवाइज कर देता हूँ। ट्रांसपोर्ट जो है वो नोट कवर्ड है 44 ए में, और गुड्स जो है व्हीकल उसका 10 से ज्यादा है तो उसको ये अप्लीकेबल रूल हो जाएगा, ये वाली, यहाँ पे 30,000 सिंगल फाइनेंशियल ईयर पे और 1,00,000 पे, और 1%, 2% और 20% का बिना पेन का, वो सेम रहेगा। लेकिन अगर ट्रांसपोर्टर 44 ए में डिक्लेरेशन देता है, जो फॉर्मेट दिया हुआ है वो, और पेन नंबर देता है, साथ ही उसका गुड्स एंड व्हीकल का जो गुड्स वाली व्हीकल जो है माल ढोने वाली, वो 10 से कम है, तो उसको यहाँ पे कुछ भी नहीं लगेगा, यानी कि टैक्स उसको देना नहीं पड़ेगा। ये हमने करेक्ट कर दिया, यहाँ पे देना नहीं पड़ेगा, यहाँ टीडीएस नहीं कटेगा। लेकिन अगर उसके पास पेन नंबर नहीं है तो 20% टीडीएस कट जाएगा। तो ये पॉइंट आपका क्लियर हो गया, ये मैंने करेक्ट कर दिया यहाँ पे, कि अगर ट्रांसपोर्टर को 10 गाड़ी से ज्यादा है और 44 ए में कवर नहीं है तो उसे 30,000 और सिंगल बिल 1,00,000 का, सॉरी 30,000 का सिंगल बिल और 1,00,000 का फाइनेंशियल ईयर में होता है, तो उसे 1% और 2% वाला रूल अप्लीकेबल होगा। नेक्स्ट हम चलते हैं सेक्शन 94D में, कि पेमेंट जो होता है इंश्योरेंस कमीशन जो एजेंट इंश्योरेंस कंपनी द्वारा किया जाता है एजेंट को, उसमें अगर 15,000 रुपये होता है तो इंडिविजुअल एचयूएफ को 5% और अदर देन को 10% है, और अगर आपके पास पेन नंबर नहीं है तो 20% आपको कवर टीडीएस कट जाएगा। सेक्शन 194D ये कहता है लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का अगर आप मैच्योरिटी से पहले करते हैं, मैच्योरिटी ऑफ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी अगर लाइफ इंश्योरेंस कंपनी का करता है तो इस पे 1,00,000 रुपया है और 1% है दोनों केस में, इंडिविजुअल हो या कंपनी हो, और इस पे अगर पेन नंबर नहीं है तो 20% आपको लग जाएगा। सेक्शन 194H वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कमीशन का, कमीशन और ब्रोकरेज का 15,000 रुपया का लिमिट है, थ्रेशोल्ड लिमिट, और इस पे इंडिविजुअल हो या एचयूएफ हो या फर्म हो या कंपनी हो 5% लगेगा, और अगर आपके पास पेन नंबर नहीं है तो 20% इस पे भी लग जाएगा। सेक्शन 194I ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, ये आपको यूज में, डेली यूज में कंपनियों में आता है, आपके प्रैक्टिस में आएगा। लैंड एंड बिल्डिंग अगर आप रेंट पे हैं लिए हुए, या फर्नीचर एंड फिक्स्चर्स है, तो आपको थ्रेशोल्ड लिमिट इसका 2,40,000 है, और इस पे लैंड बिल्डिंग या फर्नीचर फिक्स्चर पे 10% का टीडीएस है, चाहे वो इंडिविजुअल हो या एचयूएफ हो या कंपनी हो, अगर यहाँ पे भी आपके पास पेन नहीं है तो 20% का है। साथ ही अगर प्लांट एंड मशीनरी आप लेते हैं, कोई इक्विपमेंट आप रेंट पे लेते हैं, मशीन रेंट पे लेते हैं, तो टीडीएस का रेट जो थ्रेशोल्ड लिमिट है वो तो 240,00,000 ही है, लेकिन यहाँ देखिए बहुत अच्छा चीज है यहाँ पे, कि भैया यहाँ पे टीडीएस का रेट कम हो गया 2% दोनों के लिए, इंडिविजुअल के लिए भी, एचयूएफ के लिए भी, अदर देन इन लोगों के लिए भी, पेन नहीं होने पे हायर रहे 20%। साथ ही अब एक नया चीज और आया है कि रेंट बाय इंडिविजुअल या एचयूएफ सेक्शन 194IB जो कि 1 जून 2017 से अप्लीकेबल हुआ है, अगर 50,000 रुपया पर मंथ का है इंडिविजुअल के लिए भी है या एचयूएफ के लिए, तो 5% इस पे आपको
टीडीएस कटेगा और 20% इस पे आपका बिना पेन का पेनल्टी एक तरह से ही हुआ ये, अगर पेन कार्ड आपके पास नहीं है तो। अब 194I जो है, ट्रांसफर ऑफ सर्टेन इमूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन एग्रीकल्चर लैंड, अगर आप कोई सेल परचेज करते हैं इमूवेबल प्रॉपर्टी यानी जमीन का, घर का, और उसकी कीमत 50 लाख रुपए है तो 1% आपका टीडीएस कटेगा और पेन नहीं है तो 20% टीडीएस कटेगा। अब फिर हम आते हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट पे, सेक्शन 194J पे। इंपॉर्टेंट इसलिए है कि यह डेली यूज में आएगा, आपको आपके जीएसटी कंसल्टेंट है, टैक्स कंसल्टेंट है, अकाउंटिंग कंसल्टेंट है, लॉयर्स हैं, कोई भी कंसल्टेंट है, इनका जो प्रोफेशनल फी होता है या टेक्निकल फी होगा, या डायरेक्टर आपके यहाँ कोई फी देता है, वर्क करता है उसका फी लेता है आपकी कंपनी का डायरेक्टर, रेमुनरेशन के रूप में सैलरी ना लेके फीस लेता है अलग से, या आपको रॉयल्टी का है तो यहाँ पे अगर 30,000 रुपया है तो आपको 10% किसी भी कंडीशन में, इंडिविजुअल हो या अदर देन इंडिविजुअल हो, यानी कंपनी हो या इंडिविजुअल हो या एचयूएफ हो या फर्म हो, सारे कंडीशन में 10% है, अगर पैन कार्ड नहीं है तो 20% आपको लग जाएगा। साथ ही एक नया सेक्शन आया था इसी में 194J में, एक नया रूल जुट के आया था, एक नई लाइन आई थी लॉ में कि अगर कॉल सेंटर ऑपरेटर पेमेंट होता है 1 जून 2017 से ये एप्लीकेबिलिटी है तो इनका भी, ये तो है 30,000 रुपया ही थ्रेशोल्ड लिमिट, बट इनका इंडिविजुअल हो या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो या एचयूएफ हो, इन सब के लिए इनका टीडीएस का रेट 2% है, बट याद रखिएगा कि अगर पेन नंबर नहीं है तो इनके लिए सेम 20% है। आपने सारे पॉइंट में, इतना सारे सेक्शन में आपने देखा कि पेन नहीं है तो हायर देन एक लॉटरी वाले में 30% है, आइदर आपको 20% का टीडीएस कटेगा। ये ध्यान रखिएगा कि अगर 20% का आपका टीडीएस जो कट जाता है बिना पेन का तो वो हवा में फैसा होता है, और अदर देन अगर आपके पास पेन कार्ड है और आपका टीडीएस कटता है और ज्यादा कटा तो यू कैन गेट रिफंड फ्रॉम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट व्हेन यू विल बी फाइल द योर आईटीआर, बट अगर आप पेन कार्ड नहीं है देन इफ यू फाइल द आईटीआर विदाउट पेन, फर्स्ट थिंग इज विदाउट पेन यू कांट फाइल आईटीआर, आप आईटीआर फाइल नहीं करोगे और ये पैसा सारे के सारे हवा में होते हैं, गवर्नमेंट के पास फॉरफिटेड कर लिए जाते हैं। अब हम चलते हैं आपको जो हमने सेक्शन 192 के बारे में बताया, थ्रेशहोल्ड लिमिट सैलरी वाले में, उसके लिए हम बताते हैं अगर 60 ईयर से जिनकी कम उम्र है उनको रुपया 2,50,000 तक, 2,50,000 तक कोई टैक्स नहीं लगेगा, 2,50,000 से लेके 5,00,000 तक 5%, 5,00,000 से 10,00,000 तक 20%, और इनकम फ्रॉम 10,00,000 से ऊपर होता है तो 30% इस पे लग जाएगा इनकम टैक्स। कैलकुलेशन के लिए मैंने एक दूसरा वीडियो पे बताया था, उसका लिंक मैं यहाँ पे दे दूंगा, वो आप देख सकते हैं। सरचार्ज के लिए आपको 10% ऑफ इनकम टैक्स लगेगा, अगर टोटल इनकम 50 लाख से ज्यादा और 1 करोड़ रुपया तक है तो सरचार्ज आपको 10% लगेगा, लेकिन अगर आपका इनकम 1 करोड़ रुपया से ज्यादा हो जाता है, एक्सीड कर जाता है टोटल इनकम, तो आप पे सरचार्ज 15% लगेगा, हेल्थ एजुकेशन से 4% लगेगा। साथ ही अब यहाँ पे एक रिबेट जो आया था वो अब हो गया 12,500 रुपया, लेकिन उनके लिए जिनका इनकम अप टू 5 लाख रुपया, अप टू 5 लाख रुपये है, उनके लिए 12,500 रुपये का सेक्शन 87A में रिबेट मिल जाएगा, यानी छूट मिल जाएगा। स्टैंडर्ड डिडक्शन जो पहले था पिछले साल तक 40,000, वो इस साल से 50,000 कर दिया गया है, तो स्टैंडर्ड डिडक्शन भी आपको 50,000 रुपये का मिल जाएगा। अब हम आपको सीनियर सिटीजन का स्लैब बताते हैं। ऊपर वाला जो स्लैब था, ये स्लैब, ये आपको 60 ईयर से नीचे का उम्र के लोगों का था, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, यानी लेडीज हो या जेंट्स हो। अब हम आपको बताते हैं एज बिटवीन 60 ईयर टू 80 ईयर्स के लिए, सीनियर सिटीजन के लिए। सीनियर सिटीजन के केस में 3 लाख रुपये तक का टैक्स नहीं लिया जाएगा, 3 लाख से 5 लाख तक 5% किया गया, और 5 लाख से 10 लाख तक 20%, और इनकम 10 लाख से ऊपर होने पे 30% किया गया। इनके वाले केस में भी जो सरचार्ज है 10% ऑफ इनकम टैक्स लगेगा सरचार्ज, जहां टोटल इनकम एक्सीड कर जाता है 50 लाख से 1 करोड़ तक में, 50 लाख से ज्यादा 1 करोड़ से कम, सेम यहां पे भी है,
जो ऊपर वाले में था सरचार्ज का, और 1 करोड़ से ज्यादा इनकम होता है तो आपको 15% लग जाएगा। हेल्थ एंड एजुकेशन सेस जो है वो 4% है इनकम टैक्स पे। सी में हम चलते हैं सुपर सीनियर सिटीजन। सुपर सीनियर सिटीजन इसका मतलब 80 साल से ऊपर जिनकी एज है उस केस में हुआ है, इनकम अगर आपका 5 लाख रुपए तक था तो टैक्स नहीं लगेगा। अगर आपका इनकम 5 लाख से ज्यादा और 10 लाख रुपए तक है साल के तो 20% लगेगा, और इनकम अगर 10 लाख से ज्यादा है तो 30%। यहाँ भी सेम सरचार्ज है 10%, 50 लाख से 1 करोड़ रुपया तक। 50 लाख में तो कुछ है ही नहीं, जहां 50 लाख रुपए से ज्यादा और 1 करोड़ रुपए तक है वहां पे 10% आपका सरचार्ज लगेगा, और अगर 1 करोड़ रुपया से ज्यादा हो जाता है तो आप पे 15% का लगेगा सरचार्ज, साथ ही 4% हेल्थ एंड एजुकेशन से आपको लगेगा। तो दोस्तों ये वीडियो था कि आपको किस पे कितना टीडीएस लगेगा, कितनी इनकम पे क्या थ्रेशोल्ड लिमिट है, आपका कौन टीडीएस काटेगा, या आपको किसका टीडीएस काटना है, कितने पे काटना है। तो ये टीडीएस का सारा डिटेल मैं आपको बता चुका हूँ। ध्यान रखिएगा कि अगर आप टीडीएस काटने में लेट करते हैं तो 1% का इस पे इंटरेस्ट भी जमा करना पड़ता है, तो टाइम से करिए, और ये अप्रैल का समय है। आपको मैं एक चीज यहाँ पर और बता दूं, पिछले साल 18-19 अभी खत्म हुआ है, 18-19 का जो मार्च का 31 मार्च को जो बिल आपने जमा किया है जिसका टीडीएस काटा है, उसको जमा करने का डिपॉजिट करने का लास्ट डेट 30 अप्रैल है, यानी 30 अप्रैल को लास्ट डेट है। तो आप अपना टीडीएस जिनका काटे हैं 31 मार्च को, उनका जल्दी से जल्दी 30 अप्रैल तक जमा जरूर कर दें। तो ये था इम्पोर्टेंट वीडियो, इसे आप शेयर करिए अपने दोस्तों के बीच, क्योंकि अभी ये पूरे 1 साल आपको चलेगा, साथ ही आपको नॉलेज मिलेगी। और आई रिक्वेस्ट कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको और चीजें मैं हमेशा समय पे देते रहूं। थैंक यू, बाय बाय।